आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ मनी प्लांट के बारे में कि किस तरह से आप मनी प्लांट की केयर करें कि ये बहुत तेज़ी से आपका बढ़े, और इसके साथ ही साथ आपको मनी प्लांट को पानी में भी आप कैसे ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वॉचिंग माई न्यू गार्डन। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आपके साथ बता रही हूँ कि मनी प्लांट अगर आपका ख़राब हो रहा है, उसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो आप कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपको नहीं करना है जिससे आपका मनी प्लांट बहुत हेल्दी वे में ग्रो हो। आप एक चीज़ ये ध्यान रखिए, सबसे पहले बात करती हूँ सनलाइट रिक्वायरमेंट की कि मनी प्लांट आपका कैसा प्लांट है, इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कहाँ रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली आपका मनी प्लांट जो है वो इनडोर प्लांट होता है, लेकिन आप इसको ऐसी जगह में प्लेस करिए जहाँ पर इस पर ब्राइट सनलाइट, मतलब डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। ब्राइट सनलाइट जो छन के आती है वो सिर्फ आधा घंटा तक की सनलाइट बस इस पर पड़े, चाहे वो सुबह की हो या फिर शाम की हो। बहुत तेज़ धूप में आपको एकदम खुले में अपने मनी प्लांट को नहीं रखना। अगर आपने इसको तेज़ धूप में रखा है तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आपकी लीव्स जो हैं वो जलने लगेंगी, ब्राउन होके गिरने लगेंगी। अगर आप अपने मनी प्लांट को इनडोर रख रहे हैं जहाँ बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको आपके मनी प्लांट की जो लोकेशन है वो हर 2 से 3 दिन पे आपको चेंज करते रहना होगा, एक ही जगह पे आपको नहीं रखना। कोशिश करिए कि ऐसी जगह रखिए जहाँ हल्की फुल्की सनलाइट ना आए, लेकिन रोशनी जो नेचुरल लाइट होती है वो लाइट मिलना चाहिए। ये प्लांट को आप कैसे इसकी केयर करें कि बुशी बनाएं, तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जो भी लीव्स आपकी मिट्टी में टच कर रही है, अगर आपने प्लांट को मिट्टी में लगाया और उसकी कुछ कुछ लीव्स जो है पत्तियां मिट्टी में टच कर रही हैं, तो उन मिट्टी में टच करती हुई पत्तियों को आप कट करके हटा दीजिए, क्योंकि फिर वहां से फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप देख रहे हैं मेरा मनी प्लांट कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसकी लीव्स का साइज़ देखिए, कितनी बड़ी बड़ी इनकी लीव्स हैं, और इस एक मनी प्लांट से मैंने ढेरों ढेर कटिंग्स कट की हैं जिनको मैंने पानी में प्रोपोगेट किया। मेरे पास 7 या 8 बॉटल्स हैं जिनमें मैंने इसमें से कट कट करके उनको पानी में लगाया, और उन सब ने बहुत अच्छे से रूट्स आ गई हैं। तो मनी प्लांट को बुशी बनाने के लिए आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि उनकी पत्तियां मिट्टी में ना टच करें उनको। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो भी पत्तियां ख़राब हो रही हैं, जो भी उनकी ब्रांचेस सड़ गल रही हैं, आप उनको भी कट करके हटा दीजिए, वरना वहां से फंगस लगने के चांस बढ़ जाते हैं। तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने मिट्टी में प्लांट लगाया हुआ है, ये बहुत हैवी फीडर प्लांट नहीं होता, इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने प्लांट में अगर आपने बहुत ज़्यादा खाद देना स्टार्ट कर दिया तो आपका ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसको बिल्कुल ज़्यादा खाद नहीं चाहिए होती। क्या खाद देना है वो मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अब ये देखिए, बात करती हूँ जो मैंने पानी में लगाया। अगर आप मनी प्लांट मिट्टी में लगा रहे हैं और वो सूख जाता है, मतलब वो लग नहीं पाता, तो आप उनकी ब्रांचेस कट करके उनको पानी में इस तरह से डाल के लगा दीजिए। विद इन अ वीक, मतलब 8 से 10 दिन में आपके प्लांट में रूट्स बन जाती, फिर आप उनको शिफ्ट कर दीजिए मिट्टी में, तो इससे ईजली तरीके से आप लगा सकते हैं। पानी में भी आपने जो लगाया हुआ उसमें भी कोई पत्ते सड़ गल रहे हैं या फिर उनकी ब्रांचेस ब्लैक हो रही हैं, तो आप उनको कट करके हटाते रहिए। ये मनी प्लांट आप बुशी बनाने के लिए, ये देखिए, ये लीफी ग्रोथ वाला प्लांट होता है। बेसिकली आपके इन प्लांट को नाइट्रोजन बहुत हैवी क्वांटिटी में चाहिए होता है। अगर मैं बात करूं इनकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट की, तो इनकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। आप इनकी मिट्टी के सूखने पर ही पानी देंगे। अगर आपने गीली मिट्टी में बार बार पानी डाला तो इनकी रूट्स तो बहुत ज़्यादा होती नहीं है, तो ये रूट्स गलने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं। आपको ये ध्यान रखना है, आपको अगर पानी ही देना है तो आप प्लेन वाटर, मतलब जो नॉर्मल पानी होता है, आप उस पानी से अपने प्लांट की पत्तियों को स्प्रे कर दीजिए। मतलब आप अभी तो विंटर चल रहा है, 2 से 3
2 से 3 दिन में आप एक बार स्प्रे बॉटल में पानी लेके अच्छे से अपने प्लांट की पत्तियों को साफ करते रहिए, स्प्रे करते रहिए। उससे इनकी पत्तियां साफ होंगी, चमकदार होंगी, बड़े साइज में इनकी पत्तियां बनती रहेंगी। आपने अगर इस प्लांट की बहुत ज़्यादा केयर कर ली तो भी ये प्लांट आपके पास ख़राब हो जाएगा, नहीं बचता, क्योंकि ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस बिना किसी खास देखभाल में अपने आप ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है। तो इसकी बिल्कुल भी आपको ज़्यादा केयर नहीं करना है। आप बस ये ध्यान रखिए, इनकी रूट्स पूरे में फैली होती हैं, तो जब आप इनकी गुड़ाई कर रहे हैं तो बहुत हल्के हाथ से और ध्यान देके कि कहीं पे इनकी कोई जड़ें जो हैं वो कटने ना पाए, तो बहुत धीमे धीमे हल्के हाथ से आपको इनकी गुड़ाई करना होता है। फर्टिलाइज़र, इनको नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। लाइक ये है आपकी इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती है, जिस सिर्फ मैं आधा चम्मच के करीब डाल रही हूँ अपने में, क्योंकि इसमें बहुत हाई क्वांटिटी में नाइट्रोजन होता है, जिससे प्लांट की लीव्स बहुत तेज़ बढ़ती हैं, प्लांट में नए नए पत्ते आते हैं और जो पत्ते आते हैं उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। तो आप इसमें बस महीने में एक बार आपको ये आधा चम्मच तक, मैंने देखी इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती है, अगर आप फ्रेश ले रहे हैं तो आप इससे भी कम कर सकते हैं। इनके में आप ये जो चाय की पत्ती मैंने आपको बताया है, इसका आप लिक्विड भी डाल सकते हैं। आप जैसे किसी महीने में आपने इसको लिक्विड हाफ टी स्पून को आधा लीटर पानी में आपने लिक्विड बना लिया, एक दो दिन के लिए रख दिया, पूरा उसका जो भी अरक है उतर आता है, फिर आप उसमें उतना ही पानी और मिला के अपने प्लांट की मिट्टी में दे दीजिए, तो वो इंस्टेंट वर्क करेगा, प्लांट उसको जल्दी एब्जॉर्ब करेगा। ये जो चाय की पत्ती है ये धीरे धीरे प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, और इसको सिर्फ महीने में आपको एक बार देना है, ज़्यादा नहीं देना है, वरना प्लांट ख़राब हो जाएगा। पानी में आपने जो प्लांट लगाया है उसके ख़राब होने की क्या वजह होती, इसका वाटर आपको हर 10 दिन में एक बार आपको इनका पानी चेंज करना होता है। ये पानी आप फेंक देंगे, क्योंकि अगर आप इनका पानी नहीं चेंज करते तो उसमें बहुत सारे इंसेक्ट या फिर कुछ फंगस वगैरह होते हैं जो कि हमको दिखाई भी नहीं देते हैं, तो वो प्लांट की जड़ों को ख़राब करने लगते हैं। आप ये भी देख लीजिए, पानी में भी जो लगा है उसकी जड़ जो होती हैं वो सड़ने गलने लगती हैं, तो वैसी ख़राब होती जड़ों को आप हटा दीजिए 10 दिन में। अभी विंटर है तो आप 10 दिन में एक बार पानी चेंज कर दीजिए, लेकिन जब गर्मी स्टार्ट हो जाएगी तो 7 दिन में एक बार आप ज़रूर से पानी बदल दीजिए, नए पानी में आप पानी चेंज करके साफ पानी में फिर से आप लगा दीजिए, तो प्लांट बहुत हेल्दी वे में ग्रो करता है, प्लांट की अच्छे से रूट आएंगी, और आप इसको अपने ड्राइंग रूम कहीं भी रखिए तो वहाँ भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। अब अगर मैं बात करूँ दूसरा एक फर्टिलाइज़र के आप क्या दे सकते हैं, स्पेशली जो पानी में लगा हुआ प्लांट है उसमें तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट टी लीफ नहीं डाल सकते, तो उसके लिए हम लोग जो किचन में दाल चावल ये सब धोते हैं उनमें भी बहुत अधिक क्वांटिटी में नाइट्रोजन होता है, और आपके वो प्लांट की जड़ों को भी ख़राब होने से बचाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि उसको जो दाल चावल धोते हैं उसका पानी आप 15 दिन में एक बार अपने प्लांट, जो प्लांट आपने मिट्टी में लगाया है उसमें तो डायरेक्ट डाल दीजिए, लेकिन जो आपने इस तरह से बॉटल्स में लगाया है उसको किसी स्प्रे में फिल करके थोड़ा सा वो दाल वाला पानी और उतनी ही क्वांटिटी में सादा पानी मिक्स करके आप अपने पत्तों पर स्प्रे कर दीजिए, तो उससे क्या होगा कि लीव्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ये देखिए जो इनके बड़े बड़े लीव्स निकले हैं ये एक पत्ती से भी आसानी से ग्रो हो जाता है, सिंपली इसकी मिट्टी हटा के मैंने इसको वहीं पे शिफ्ट कर दिया है। तो दाल का पानी भी इनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क करता है। आप इसको 15 दिन में एक बार अपने प्लांट में मिट्टी में लगे वाले में डायरेक्ट डाल दीजिए, और जो बॉटल में पानी में लगा हुआ है उसमें आप स्प्रे कर दीजिए, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि कैसे मनी प्लांट को घना बना सकते हैं, होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।